हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ डॉक्टर तपेश। चलिए आज हम बात करते हैं हैंड सैनिटाइजर के बारे में। क्या होता है हैंड सैनिटाइजर? यूज कैसे किया जाता है और इसका हमें यूज जब हम करते हैं तो कितना परसेंट हमें इसका यूज करना चाहिए, कब इसका यूज करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं हमारे बिल्कुल पूरा 100% हमको बेनिफिट्स होता हो। आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कितना इसका बेनिफिट होता है और कितना इसका हमें साइड इफेक्ट भी होता है। क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 8 महीने से यानी कि पब्लिकली हैंड सैनिटाइजर को यूज़ किया जा रहा है, तो इसके यूज़ से ज़्यादा इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हैंड सैनिटाइजर होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो हैंड सैनिटाइजर बेसिकली एक एंटी माइक्रोबियल होता है, जो भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं हमारे हाथों में, जो भी यानी कि गंदगी होती है हमारे हाथों पर, तो उसको यानी खत्म करने में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हैंड सैनिटाइजर आप यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर को अपने हाथों से लेके पहले अपने पाम पे डालिए उसको, फिर अपने हाथों को ऐसे रब करना होता है और अपने हाथों को पूरे पाम की जो क्रीजेस जो होती हैं, नेल्स रहते हैं, नेल्स और इवन यहाँ की आपस में नेल्स बड्स जो होती है उनको आपस में मिक्स करना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म यानी कि प्रोसेस जो रहता है, तकरीबन आपको 20 सेकंड तक पूरा हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, तब जाके आपके हाथ हैंड सैनिटाइज होते हैं। दूसरा, हैंड सैनिटाइजर के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन हो जाती है आपकी और इससे इरिटेशन होता है, मूड स्विंग होते हैं, फ्लेवर्ड जो होती है, और इससे हैंड सैनिटाइजर में बीच बीच में बहुत सारे ऐसे उसके कंटेंट जो होते हैं उससे हमारे बॉडी में इनफर्टिलिटी के भी चांस अभी आने लगे हैं। और दूसरा, हमें जो बॉडी हमारी कैंसर यानी कैंसर होने के चांसेस भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हैंड सैनिटाइजर से बहुत सारे इतने साइड इफेक्ट हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि अब बेसिकली हम बात करते हैं कि कौन सा हैंड सैनिटाइजर हमें यूज करना चाहिए। नॉर्मली मार्केट में सारे हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल हैं, तो उनको हमें कैसे पहनना चाहिए मैं आपको गाइड करता हूँ कि मोर देन 70% बेस्ड जो एल्कोहल वाला सैनिटाइजर होता है उसको आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटी माइक्रोबियल जो होती है वो कॉम्पेटिटिव ज़्यादा होती है, तो पावर इसमें ज़्यादा होती है, तो उसे हमें सैनिटाइज के बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। और आप मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, 60%, 50%, 40%, लेकिन हमको कौन सा यूज करना चाहिए, मोर देन 70% वाला एल्कोहल। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में एक हैंड सैनिटाइजर है, इसमें एल्कोहल ग्रेडियंट जो होता है वो मोर देन 70% है, और इसमें कंपोजिशन में देखिए क्या क्या रहता है कि एथेनॉल जो होता है वो मोर देन 95% है, और दूसरा इसमें हाइड्रोजन परोक्साइड है जो कि क्या करता है, इसमें देखो एथेनॉल जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, जो छोटे छोटे माइक्रोबियल हमारे हाथ पे होते हैं उनको नष्ट करने में काम आता है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन परोक्साइड होता है, जो हाइड्रोजन परोक्साइड क्या करता है कि वहाँ के जो आपकी गंदगी जो होती है अपने हाथों की उसको क्लीनिंग करने के लिए काम में आता है। ग्लिसरॉल इसका अलग कंपाउंड होता है कंपोजिशन में, तो ग्लिसरॉल क्या करता है आपके हाथों को मॉइस्चराइज करता है, यानी कि आपके हाथों में नमी बनाए रखता है, ड्राई स्किन को बचा के रखता है। अगला है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर क्या करता है, इसमें जो एल्कोहल की परसेंटेज होती है उसको डाइल्यूट करने के काम में आता है, क्योंकि प्योरीफाई बिल्कुल एल्कोहल जो होता है वो आपके हाथों को ड्राई कर देता है। और तीसरे, इसमें कलर आता है, तो कलर के कंटेंट बहुत सारे होते हैं, ब्लू कलर का होता है, ये पर्पल यानी कि पिंक कलर का है, अलग अलग कलर के सैनिटाइजर होते हैं, और जितना परसेंटेज एल्कोहल जो आप में यूज करेंगे आपको सैनिटाइजेशन में हाथ में उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। और इसमें एक बिस्फिनॉल और एक बेंजालकोनियम नाम का कंटेंट यानी केमिकली कंपोनेंट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर को बढ़ाने में बिल्कुल यानी पूरा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हैंड सैनिटाइजर को कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा सैनिटाइजेशन हमें यूज में लेना चाहिए और हमें कितने सेकंड तक हाथों को क्लीनिंग करना चाहिए। तो अगली वीडियो में आपके लिए मैं और भी इसके बारे में बताएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।